हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज है। आपका हाँ बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेंट जंक्शन पानीपत में। आज हम रोल पेंट करेंगे ऑफिस के अंदर। और ये देखते हैं, इसके लिए हमें चाहिए एप्कोलाइट का प्रीमियम इमल्शन। ये बेस कोट रिक्वायर्ड है रोयल पेंट मैट फिनिश के लिए। या शाइन करना हो तो मैं एक कोट प्लास्टिक पेंट का लगाना कंपलसरी रहेगा अच्छी फिनिश के लिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये L104 नंबर कॉटन वूल शेड नंबर है। L104 नंबर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका कलर कोड जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए, हमने माल को अच्छे से मिला लेंगे। इसमें 1 लीटर में हमने 300 से 400 ग्राम पानी मिलाया है। ऐसा माल देखिए पानी मिलाने के बाद बन जाएगा। प्राइमर चौक मिट्टी का बेस हमने पिछली वीडियो में बनाया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए, हमने आधी छत पर एक कोट करना शुरू कर दिया है। प्लास्टिक पेंट का कोट हम पहले मारेंगे रॉयल पेंट से पहले, क्योंकि दोस्तों रॉयल मैट जो है एक लग्जरी इमल्शन है, उसके लिए हमें एक कोट प्लास्टिक पेंट का बेस पे लगाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसकी अच्छी फिनिश नहीं आती और हमें 3 से 4 कोट लगाने पड़ते हैं। एक कोट प्लास्टिक से उसे अच्छा बेस मिल जाता है रोल पेंट को, तो हमारा 1 से 2 कोट रोल पेंट लगाने के बाद बढ़िया फिनिश आ जाती है दीवारों पर, छत में भी। ये देखिए, ब्रश से हमने स्कार्टिंग में पहले थोड़ा थोड़ा किनारी काट लेना है, ताकि रोलर से वहाँ माल नहीं चढ़ेगा। इसलिए हमने ब्रश का यूज़ ज़रूर करना है किनारी काटने के लिए। अगर आपको प्लास्टिक पेंट करना दोस्तों, तो भी उसके लिए ही प्रोसीजर है। आप इसका डबल कोट कर सकते हैं तो प्लास्टिक पेंट फाइनल हो जाएगा दीवारों पर, लेकिन हमने रोल मैट करना है, इसलिए हमने पहले प्लास्टिक का एक कोट लगाया है। प्लास्टिक पेंट जो है वो एक कोट कर दिया है। अब इसी कलर कोड का हम रोल पेंट भी बनाएंगे। देखिए, उससे पहले हमने जो छोटे मोटे खड्डे हमें दिखाई दे रहे हैं प्लास्टिक पेंट के बाद, एक कोट के बाद, उसे हम वॉल पुट्टी से रिपेयर कर लेंगे इस तरह से। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि रोल मैट में छोटे छोटे खड्डे बहुत दिखाई देने लगते हैं दीवारों पर, जिससे प्रॉपर फिनिश नहीं आ पाती है, इसलिए हमें रिपेयर ज़रूर करना है। इसके बाद में हम 220 नंबर रेगमार से घिसाई करके टचिंग लगाकर प्लास्टिक पेंट की छत पे हमें चौक मिट्टी का ही फिलिंग करना है छोटे खड्डों को भरने के लिए। यह आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जब हमने बेस बनाया था प्राइमर फिलिंग का, तो हमने चौक मिट्टी बना रखी थी। ये ख़राब नहीं होती है, इसे हम पानी में डाल के रखते हैं, वही हमने इसमें द्वारा प्रयोग किया है रिपेयर करने के लिए छत के खड्डों के लिए, क्योंकि वॉल पुट्टी छत में चमकती है। अब देखिए दोस्तों, हमने रॉयल मैट की बाल्टी खोलेंगे। इसका भी कलर कोड सेम है, L104 नंबर कॉटन वुल। ये देखिए, इसमें हमें 1 लीटर में 300 से 400 ml तक पानी मिलाना है। ऑफ वाइट हमें कलर करना है इसमें ऑफिस में, तो हमने ये शेड मंगा लिया है। इसका कलर कोड आप देख भी सकते हैं, 104 नंबर कॉटन वूल है।
अच्छे से मिला लेना दोस्तों। नीचे डाई और माल बैठा होता है, इसे हमने बाल्टी में दूसरी बाल्टी में मिलाकर फेंट लिया है। दोनों में ही रॉयल मैट है। ये आपको 400 रुपये से 450 रुपये लीटर तक किसी भी पेंट की दुकान पर मिल जाएगा। ये लग्जरी मल्सन है। और जो प्लास्टिक पेंट है वो आपको 225 से 250 रुपये लीटर तक कलर बना के पड़ेगा। ये देखिए हम टचिंग मार रहे हैं, जो हमने फिलिंग करी थी छत में, रिपेयरिंग करी थी एक कोट के बाद, उसकी हमने अच्छे टचिंग कर दी है। अब हम इसमें रोल मैट का कोट डाल रहे हैं, छत में अपनी कोटिंग पूरी कर रहे हैं। अच्छे से कोट लगाना दोस्तों, कहीं छोड़ना नहीं है। ये वॉशेबल पेंट होता है दोस्तों, जो 8 साल तक 10 साल तक आपका दीवारों को चमकाता रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। इसे आप इजीली वॉश कर सकते हैं, अगर कोई दाग धब्बा बच्चे पेन पेंसिल चला देते हैं तो वो अच्छे से इस पर साफ हो सकता है, सर्फ से आप उसे धो भी सकते हैं दीवारों को आराम से। यही फायदा होता है रॉयल मैट का। इसमें एक दो क्वालिटी आती है, एक रॉयल शाइन, रॉयल मैट। फिलहाल हम रॉयल मैट कर रहे हैं। ये चमक आपको दिख रही है, ये थोड़ी सी डल हो जाएगी सूखने के बाद, लेकिन इसमें भी चमक रहती है दोस्तों, हल्की 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 शीन रहती है। लेकिन इसे रॉयल मैट ही बुलाया जाता है, क्योंकि रॉयल शाइन जितनी इसमें चमक नहीं रहती। रॉयल शाइन के लिए आपको रॉयल शाइन ही खरीदना पड़ेगा, उसमें आपको अच्छी शाइन मिलेगी, वो भी वॉशेबल पेंट है। हम इसका दूसरा कोट दीवारों पर कर रहे हैं, उसमें हम देखिए रोलर को भर भर कर दीवारों को अच्छे से कोट कर रहे हैं, कहीं छोड़ना नहीं है दोस्तों इसे। अगर हम कहीं रोलर छोड़ देंगे तो उसका निशान अलग जोड़ पड़ेगा, अलग से दिखाई देगा। रॉयल पेंट करने के लिए हमें दो कारीगर चाहिए चाहिए दोस्तों, नहीं तो इसमें जोड़ आ जाता है, बहुत जल्दी सूखता है। ये देखिए ये रोलर जो है, इपॉक्सी रोलर बोलते हैं इसको, ये आपको पेंट शॉप से आराम से मिल जाएगा। अगर आप रॉयल मैट या रॉयल शाइन कर रहे हैं तो इपॉक्सी रोलर ले लीजिएगा, क्योंकि जो फोम रोलर होता है उसमें इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती। ये आपको दीवारों को अच्छे से स्मूथ कर देता है। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एंड में आपको इसकी फिनिश दिखाई देगी जो कोट हम कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए इस पर हमने डबल कोट कर दिया है इस दीवार पर। ये देखिए छत दीवार हमने दोनों एक ही कलर में किया है। इसमें हमने एक कोट प्लास्टिक पेंट और दो कोट रोल मैट किया है, ऐसे ही रोल मैट किया जाता है दोस्तों अच्छी फिनिश के लिए आपको। ऐसे इसके दो कोट रोल मैट के लगाने पड़ेंगे तो आपको ऐसी फिनिश मिल जाएगी, और ये इजीली वॉशेबल होता है दोस्तों।
आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।